ये क्वेश्चन है सर, इलेक्टिव इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसनों समझ लीए कि किवें बन सकता है। इतने चलते हाँ, तुसी दो ही सब्जेक्ट दसे ने, बाकी सब्जेक्ट भी दस दे तो बेहतर हो जाना सी। एक तो है कि इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, इलेक्टिव इंग्लिश थोड़ा होर एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इकोनॉमिक्स है। हुण मैनू नहीं पता इकोनॉमिक्स के नाल तुसी होर सोशल साइंस पढ़ी है जां इकोनॉमिक्स ही तुहाडा इंटरस्ट है। इलेक्टिव इंग्लिश तुहानूं गवर्नमेंट जॉब लई डायरेक्ट एलिजिबल बना रही है, क्योंकि मेरे ख्याल च 3 साल पढ़िया होएगा, इलेक्टिव हो गया है, TGT लई डायरेक्ट एलिजिबल बनते हो। बाकी जिस कि सब्जेक्ट तुहाडी नॉलेज या इंटरस्ट ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स विच ज़्यादा है, जां तुसी जे सोशल साइंस होर कोई कीती है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री अगर नाल कीती है, फिर तुहाडा SST बन जाएगा। हाँ, पर जे तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे BEd कॉलेजों विच एडमिशन लेना चाहते हो तो कल्ली इकोनॉमिक्स दे नाल ही SST बन जाएगा, पर बाद विच तुहानू एक सोशल साइंस, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जां पोलिटिकल साइंस जां जोग्राफी जां सोशियोलॉजी दा एडिशनल पेपर BA विच देना पड़ेगा, नंबर एक। फिर उस तो बाद BEd विच एडिशनल पेपर टीचिंग ऑफ सॉरी वो नहीं देना पड़ेगा, SST जो है BEd विच नहीं करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, जे तुसी PGT लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, PGT लिए 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाने वाले ते इकोनॉमिक्स दे लेक्चरर जिन्हों स्कूल लेक्चरर कहते हैं वो बनना चाहते हो, फिर तुहानू कुछ भी होर करन दी जरूरत नहीं है। फिर इंग्लिश ते इकोनॉमिक्स तुहानू कॉम्बीनेशन लेना चाहिए है। मेजर सब्जेक्ट तुहाडा इकोनॉमिक्स बनेगा और माइनर बनेगा इलेक्टिव इंग्लिश और पैडागोजी का BEd विच ओ, पर लेकिन गवर्नमेंट जॉब लिए फर्क नहीं होएगा। सो इन्हां दे मुताबिक तुसी चूज कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।